आपके साथ मैं हूँ विभांशु द्विवेदी। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं और ऑक्सीजन के लिए किल्लत है। उसके साथ सरकार ने 1 मई से 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन का तीसरा चरण जारी कर दिया है। इसके साथ ही लोगों के मन में वैक्सीनेशन से जुड़े कई सारे सवाल हैं, जिसके हम तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने अभी भारत में 3 वैक्सीनों को मंजूरी दी है, जो कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन। इसको भारत बायोटेक हैदराबाद में बना रही है। इसकी 2 डोजों के बीच में अंतराल 28 दिवस का हो सकता है, और वहीं इसके प्रभावी होने की बात करें तो यह 78% तक प्रभावी है, जिसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखा जा सकता है। वहीं कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाई जा रही है, जो कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही है। इसके 2 डोजों के बीच में 42 से 56 दिन का अंतराल हो सकता है। वहीं इसके प्रभावी होने की बात करें तो यह 70% तक प्रभावी है। वहीं से भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में रखा जा सकता है। वहीं स्पुतनिक वी को मॉस्को के गामालेया इंस्टीट्यूट में बनाया गया है, जिसे भारत में हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज लैब्स में बनाने की अनुमति मिली है। इसके 2 डोजों के बीच में 21 दिन का अंतराल हो सकता है। वहीं इसके प्रभावी होने की बात करें तो 92% तक प्रभावी है। इसे भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं वैक्सीन से जुड़े उन तमाम सवालों से जो आपके मन में उठ रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में कौन सी वैक्सीन सबसे प्रभावी है। आपको बता दें कि सभी वैक्सीन प्रभावी हैं, आप कोई सी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन के 2 डोज बदले जा सकते हैं, यानी पहला डोज कोवैक्सीन या तो का तो दूसरा डोज कोविशील्ड का नहीं, यह आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा। आपने पहली डोज जिस वैक्सीन की ली है उसी वैक्सीन की दूसरी डोज लें। क्या बच्चों को कोरोना हो सकता है, तो क्या उन्हें भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? नहीं, फिलहाल बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है। आइए अब बात करते हैं कि किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। जिन लोगों को किसी भी दवा का एलर्जी हो उन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। साथ ही जिन्हें गंभीर बीमारियां हों उन्हें भी वैक्सीन अपने डॉक्टर के सलाह पर ही लगवानी चाहिए। इन दोनों सबसे चर्चा में एक वैक्सीन है, उसके बारे में भी बात करते हैं, स्पुतनिक लाइट। इसको लेकर भी भारत सरकार ने सोचा है कि हम इसे ट्रायल के बाद इसे भी मंजूरी देने की बात कही है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये वैक्सीन इतनी खास क्यों है। इस वैक्सीन के खास होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके 2 डोज आपको नहीं लेने पड़ेंगे। इस वैक्सीन के केवल 1 ही डोज आपके लिए प्रभावी रहेगा। स्पुतनिक लाइट रूस द्वारा तैयार की गई वैक्सीन है, जिसे सिंगल शॉट है, यानी इसकी एक वैक्सीन की 1 डोज ही काफी प्रभावी है। इसका इस्तेमाल 60 से अधिक देशों में किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक स्पुतनिक लाइट की सफलता का 80% है। वही जिसका ट्रायल 5 दिसंबर 2020 से 15 अप्रैल 2021 तक चला। कंपनी का यह भी दावा है कि अभी तक इस वैक्सीन के लगने के बाद किसी भी व्यक्ति में कोई सीरियस बीमारी या लक्षण नहीं हुए हैं। सरकार दावे की जांच कर इसकी मंजूरी देने की बात कह रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। धन्यवाद।